दोस्तों भारत वेस्ट इंडीज दौरे में मचा बहुत बड़ा बवाल। जब भारत छोड़कर भागा वेस्ट इंडीज का यह खिलाड़ी, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सा खिलाड़ी भाग गया है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का, बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेलने वाली है। टीम इंडिया इस सीरीज में अपने नए कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। वहीं वेस्ट इंडीज भी T20 सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया के सामने कड़ा चैलेंज रखेगी। भारतीय टीम इस सीरीज में गेंदबाजी में काफी ज्यादा बेहतरीन विकल्प जमाएगी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर है और वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जब वेस्ट इंडीज टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी जो कि भारतीय टीम के लिए काल बन सकता था, वो भारतीय टीम के दर्शकों को देखकर टीम से बाहर हो गया। दरअसल दोस्तों माना जा रहा था कि इस साल एंट्री होने वाली है दर्शकों की। ऐसे में दोस्तों सिमरन हेटमायर जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज है, वो चाह रहे थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड दर्शकों को अलाउ ना करें क्योंकि उनको कोरोना का काफी ज्यादा डर था। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने बोर्ड से पहले रिक्वेस्ट की कि उनको कोरोना के चलते हुए दर्शकों को अलाउ ना किया जाए। लेकिन यहां पर भारतीय टीम ने रेवेन्यू के चलते उनकी बात नहीं मानी और उनको टीम से कहा कि आप खेलिए अगर आपको खेलना हो, वरना हम दर्शक तो जरूर से जरूर बुलाएंगे। ऐसे में हेटमायर उनकी बात नहीं माने और वो तुरंत भारत छोड़कर वेस्टइंडीज भाग गए। ऐसे में दोस्तों यह वेस्टइंडीज दौरे के लिए काफी ज्यादा बुरी खबर है, वेस्टइंडीज बोर्ड के लिए भी काफी बुरी खबर है। जरूर इनकी खबर ली जाएगी वेस्टइंडीज बोर्ड के द्वारा। बताएं दोस्तों सिमरन हेटमायर वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक सीजन में भारतीय टीम को खूब ज्यादा परेशान किया था और सिमरन हेटमायर ने अगर अपना नाम कहीं से कमाया है तो वह भारतीय सीरीज से ही था। लेकिन वो सीरीज में अब छोड़कर भाग रहे हैं जो कि काफी बुरी बात है। आपके हिसाब से क्या उन्हें खेलना चाहिए, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।